इस साल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत से गदगद टीएमसी की नजरें बीजेपी शासित त्रिपुरा पर हैं, जहां पार्टी को लगता है कि वह 2023 की शुरुआत में होने वाले चुनाव में मजबूत बढ़त हासिल कर सकती है। इसे लेकर टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी समेत पार्टी के कई नेता लगातार त्रिपुरा आ रहे हैं और पार्टी के लिए आधार तैयार करने और संगठन को स्वरूप प्रदान करने में लगे हुए हैं। पार्टी को उम्मीद है कि वाम दल कांग्रेस की ओर से छोड़े गए स्थान की वजह से मौजूदा सरकार से नाखुश लोग उसका रुख करेंगे। इस वक्त टीएमसी राज्य में अपने पैर जमाने की पूरी कोशिश कर रही है। पार्टी नेताओं की पूर्वोत्तर राज्य में मौजूदगी बीजेपी की पश्चिम बंगाल रणनीति को अपनाने की कोशिश लगती है। टीएमसी का दावा है कि वह सत्ता पर आसानी से काबिज हो जाएगी। पार्टी ने आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था की बदतर हालत है, रोजगार सृजन निचले स्तर पर है, सत्तारूढ़ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आतंक मचाया हुआ है।